हेलो फ्रेंड्स, अनुराधा दिस साइड। इस ट्यूटोरियल में हम रैड मॉडल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रैड मॉडल हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं और किन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम रैड मॉडल का फॉलोअप लेते हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रैड मॉडल। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रैड मॉडल होता क्या है, रैड मॉडल की एब्रीवेशन है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जहाँ पे जो वर्ड लिखा है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, उससे हमें देख के ही समझ में आ रहा है ऑब्वियसली जो रैड मॉडल है वो किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड लिखा है रैपिड, उसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? रैपिड एप्लीकेशन डेवलप जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको हम तब यूज करते हैं जब हमें क्लाइंट ने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे दिया, जहाँ हम इन अदर वर्ड्स बोले कि हमें जो प्रोजेक्ट है वो अर्जेंटली कंप्लीट करना है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम रैड मॉडल का यूज करते हैं। रैड मॉडल इज अडॉप्शन ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, इट एम्स टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, क्योंकि रैड का मतलब ही प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना है। द रैड मॉडल यूज फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट, इट इज बेस्ड ऑन द मॉडल फेजेस सिंस देयर इज नो डिटेल्ड प्री प्लानिंग। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अदर्स मॉडल की, वहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होता, हम कम से कम 6-7 दिन लगा देते हैं या इससे भी ज़्यादा कि क्लाइंट की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, कि प्रोजेक्ट हमारा किस तरह फ्लो करेगा। लेकिन हमें रैड मॉडल ये अलाउ नहीं करता, क्योंकि क्लाइंट ने हमें पहले ही टाइम पीरियड पूरा डिफाइन किया है कि ये जो प्रोजेक्ट है मुझे 10 से 15 दिन में कंप्लीट करना है या 20 से 25 दिन में कंप्लीट करना है। उसमें से भी अगर हमने 5-7 दिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए लगा दिए तो बाकी टाइम में हम अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, रैड मॉडल हमें ये अलाउ करता है कि आप एक बार पूरी की पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो कि इस प्रोजेक्ट में चलेगा क्या। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, पता है एजुकेशन सिस्टम में क्या होगा, हम एक बार उसका पूरे का पूरा फ्लो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इसमें हम ये नहीं कि 5-7 दिन लगा दिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट चलेगा, वो नहीं होता इसमें। अब जैसे जैसे हम प्रोडक्ट बनाते जाते हैं, बनाना स्टार्ट कर दिया है, वैसे वैसे हम उसमें इन्हांसमेंट करते जाते हैं। और फ्रेंड्स, रैड मॉडल में हमारे पास क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई रहती है। जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट चलता है वैसे वैसे हमारे जो क्लाइंट अपने व्यूज देते रहते हैं, इस फेज में मुझे ये चेंज करवाना है, ऐसे कर दो या इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट को लेके चलो, तो उन केसेस में हम रैपिड एप्लीकेशन मॉडल का यूज करते हैं। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली अगर हम बात करें कि रैड मॉडल यूज कहाँ पे होता है, रैड मॉडल हम उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं जब हमारे पास टाइम पीरियड लिमिटेड है और क्लाइंट को अर्जेंटली वो प्रोजेक्ट चाहिए, उस केस में हम रैड मॉडल का यूज करते हैं। अब वे वो यूज रैड मॉडल, आपको पहले ही समझ में आ गया है कि प्रोजेक्ट जब हमारे पास लिमिटेड टाइम पीरियड है, क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी उसमें, होल प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, टेक्निकल रिस्क सीम टू बी वेरी लो, ऑब्वियसली रिस्क बहुत कम होंगे क्योंकि हर स्प्रिंट हर फेज में क्लाइंट अपनी चेंजेस देख रहा है, मुझे यहाँ पे ये कर दो, तो एट द एंड जब हमारा प्रोडक्ट बन के निकलेगा तो उसमें बहुत कम जो हमारे पास फ्लॉज होंगे वो नजर आएंगे। अब इसमें जो रूट है मॉडल फेजेस रैड मॉडल के, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन और टेस्टिंग एंड टर्नओवर। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस मॉडलिंग की। फ्रेंड्स, बिजनेस मॉडलिंग क्या होती है? अगर हमने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम क्या सोचते हैं, कहाँ पे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन इसका स्टार्ट करेगा, कहाँ पे इसको लेके जाएंगे, पूरा फ्लो कैसे होगा, यही डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियसली रैड मॉडल में बिजनेस मॉडलिंग भी यही काम करता है। द इन्फॉर्मेशन फ्लो अमंग द बिजनेस फंक्शन इज डिफाइंड बाय द आंसरिंग क्वेश्चन लाइक व्हाट इन्फॉर्मेशन ड्राइव द बिजनेस प्रोसेस, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज जनरेटेड, हु जनरेटेड, वेयर डज द इन्फॉर्मेशन गो, हु प्रोसेस इट, मतलब हु, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारी चीजें बिजनेस मॉडलिंग में यूज होती हैं। अब अगर हम बात करें डेटा मॉडलिंग क्या होती है, बिजनेस मॉडलिंग में हमें पता चल गया इस तरीके से काम करना है। डेटा मॉडलिंग में क्या करते हैं, आफ्टर द बिजनेस मॉडलिंग जो हमारा नेक्स्ट फेज होता है डेटा मॉडलिंग, उसमें हम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एक एंटिटीज में डिफाइन कर देते हैं कि
आइडेंटिफाई करने के बाद, रिफाइन करने के बाद प्रोडक्ट को पता चल गया हमें क्या करना है, उसके बाद हम एंटिटीज डिफाइन कर देते हैं। सेट ऑफ एंटिटीज जब हमारे पास बन जाती है तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इजिली फ्लो करेगा और उसमें कोई एम्बिग्यूटी भी नहीं आएगी। अब थर्ड फेज है इसका, ठीक है, हमने बिजनेस भी डिस्कस कर लिया, हमने डेटा भी डिस्कस कर लिया, अब हमारा जो प्रोसेस कि किस तरीके से हमने प्रोडक्ट को चलाना है, प्रोसेसिंग डिस्क्राइब क्या करता है कि आपने अगर प्रोजेक्ट में कुछ ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, रिट्रीव करना है, अपडेट करना है, तो इसी फेज में हम उस चीज़ को पूरा डिफाइन कर देते हैं। द प्रोसेस मॉडल ऑफ एनी चेंजेस और एनहांसमेंट टू द डेटा ऑब्जेक्ट सेट इज डिफाइंड इन दिस फेज, कि डेटा ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करेंगे, कौन सी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो करेगी, वो सारी की सारी इस मॉडल में डिस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा रैड मॉडल है वो इस तरीके से चलता है। सबसे पहले प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट। प्लानिंग और डिप्लॉय में जो हमारे बीच के जो चार फेज बचते हैं उसमें हम अपना पूरा पूरा प्रोजेक्ट चलाते रहते हैं। इसमें क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई रहती है, जैसे हमने पहले डिस्क्राइब किया, तो उस केस में हम हर बार जो भी हम काम कर रहे हैं हर फेज में क्लाइंट को दिखाते हैं कि इस तरीके से इसको चलाना है। अगर क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है तो हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं, अदरवाइज नहीं तो हमारा प्रोडक्ट उसी तरीके से चलता रहता है। फोर्थ फेज हमारा होता है एप्लीकेशन जनरेशन। जब हमें पता चल गया कि ठीक है इस तरीके से हमारा फ्लो काम करेगा, तो फिर हम डेवलपर को बोलते हैं कि अब आप इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करो, तो वो ऑटोमेटिक 2G लेके कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब कोई 4G लैंग्वेज लेके कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सारा प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, टेस्टिंग एंड टर्नओवर। क्लाइंट ने देख लिया जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके बाद जब हम डिप्लॉय करते हैं उससे पहले हमारा फेज होता है टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में क्या होता है, आदर क्लाइंट खुद टेस्ट करता है, जहां हम भी यूनिट टेस्टिंग करते हैं, टेस्टर्स टेस्टिंग करते हैं, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, वो सभी इसी फेज में करी जाती है। जिस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही डायरेक्शन में गया है या नहीं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी गया है या नहीं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट रैड मॉडल को यूज़ करने का ये होता है कि इसमें हमारे फेलियर रिस्क बहुत कम होते हैं, क्योंकि क्लाइंट ने खुद ही बैठ के सारा प्रोडक्ट बनाया है, उसी डायरेक्शन में प्रोडक्ट को मूव करवाया है। अब कौन से इसमें टीम वर्क करती है, कौन कौन सी टीम इसमें हाई रिस्क जो अपना रोल प्ले करती है, सबसे पहले अगर बात करें रिक्वायरमेंट प्लानिंग टीम जो रिक्वायरमेंट ले रही है, यूजर डिजाइन टीम, यूजर रिव्यू बोर्ड, ट्रेनिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, स्वैट टीम होती है हमारी, कंस्ट्रक्टर टीम, वर्कशॉप लीडर। मतलब ऑब्वियस ही बात है, जब हमने कोई भी चीज़ को जल्दी फिनिश करना है, टीम ऑफ मेंबर्स उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास जो चीज़ जो हमारी टीम है वो ज़्यादा इम्फेसाइज करती है। सबसे बड़े रोल हमारे होते हैं जो एक्सपर्ट डेवलपर्स होते हैं, जो हमें गाइड करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज भी आई थिंक अभी आपको पूरी क्लियर होगी होगी एडवांटेज क्या है। सबसे पहले अगर एडवांटेज की बात करें, क्विक इनिशियल रिव्यू एज पॉसिबल, हम रिव्यू हर बार फेज का लेते हैं, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन आइसोलेटेड प्रॉब्लम एंड एनकरेज द कस्टमर फीडबैक, हमें कस्टमर की फीडबैक साथ में साथ मिलती जाती है, रिड्यूस्ड टाइम साइकिल, टाइम पीरियड मेंशन है, प्रोडक्ट इजिली कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। अगर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट की बात करें फ्रेंड्स, वो हमारे लिए एडवांटेज भी है, वो हमारे लिए डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज की बात करें तो हाँ ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा प्रोजेक्ट, इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट करेगा, क्लाइंट हमें हर चीज़ गाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें, कई बार हम अपने तरीके से प्रोडक्ट को चला रहे होते हैं कि इसके बाद ये होना चाहिए, लेकिन क्लाइंट बार बार आके हमें कई बार डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो जो हमारा पूरा का पूरा फ्लो बना होता है उस प्रोजेक्ट को लेके वो थोड़ा सा कभी हिल जाता है कि अभी हम प्रोजेक्ट को किस डायरेक्शन में लेके जाएं, तो ये हमारे पास कई बार डिसएडवांटेज भी होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो हमें इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले वेल ट्रेन टीम चाहिए, हाई स्किल्ड पर्सन चाहिए, क्योंकि अगर हमने एट द मोमेंट क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे यहाँ पे ये चेंज करना है, तो मे बी जो फ्रेशर लेवल है जहाँ वो ट्रेंड नहीं है ज़्यादा, तो उन टाइम पे उसको काम करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, सोचना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें वेल ट्रेन टीम चाहिए, सारी की सारी जो टीम होनी चाहिए वो पूरी की पूरी फोकस्ड होनी चाहिए, एम्फेसाइज होनी चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट, तो इन चीज़ों को लेके ये थोड़ा सा हमारे पास कई बार कॉस्ट को इफेक्टिव करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक अब
आपको समझ में आ गया होगा कि रैड मॉडल क्या होता है, कहाँ यूज होता है, उसके फेजेस क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड नाउ। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है रैड मॉडल की, तो सिर्फ रैड मॉडल ये होता है कि जब हमारे पास टाइम पीरियड डिफाइन है, क्लाइंट को अर्जेंटली प्रोडक्ट देना है, तो गो विद द रैड मॉडल ओनली। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।